हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अंबाला में करीब एक साल पहले बंटी नाम के एक युवक की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी गई थी। अब गवाही देने से रोकने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हत्यारों द्वारा फोन पर धमकी देने का आरोप मृतक की मां ने लगाए हैं। पीड़ित मां का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में टालमटोल कर रही है। अब हालात ये हैं कि बुजुर्ग मां अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों पर नशा बेचने से मना करने पर युवक की हत्या का आरोप है। वहीं इस आरोप पर जब महेश नगर थाना प्रभारी अजय सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे पास तो लोकल दरख्वास्त आती है और एक दरख्वास्त आई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई। जेल से धमकी के बारे में पूछने पर एसएचओ का कहना है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मेरा बेटा था, घर पे आया था, घर से आया चाय पीने जा रहा था, बस घर से बुला के ले गए उसको। आज एक साल दो महीने हो गए, कहीं इंसाफ नहीं मेरे को मिल रहा। जहाँ जाती हूँ वही कहते कि जाओ जाओ आगे जाओ, आप आगे जाओ। आगे में जाओ तो किसके पास जाओ? जिसको भी साथ लेके जाती वो उसी को धमकी देते हैं। एक बंदे ने भी जमानत देनी है, लड़के ने, ये पगल में ही है, उसका लेके मैं गई, उसको धमकी दी कि एक तो अभी गया ही गया है, जो तू गवाही देगा तो तू भी ऐसे ही जाएगा दो चार साल के बाद। ये कटोरे के लोग हैं, कटोरा अंदर जेल में से फोन करा रहा हुआ बैठ के कि जो गवाही देने जाएगा उसको ऐसे साफ करते रहना, रास्ते में एक तो मार दिया, दो तीन गवाही देने जाएंगे उनको भी मार दो। पुलिस में शिकायत करी, अप्लीकेशन लिखा के दे के आई, कटोरा उसको रजत कर भी लिया, फिर उसको जमानत पे छोड़ दिया बाहर भी। कल भी मैं गई थाने में, कह रहे क्या करोगे जाके, कोर्ट कचहरी लड़ो, कुछ भी होएगा वहाँ, थाना पुलिस होएगी, लड़ाई दंगा होएगा, कुछ फायदा नहीं तुम्हारा। हमारे पास थ्रेटनिंग का नहीं, हमारे पास तो लोकल दरखास्तें आती हैं। एक लोकल दरखास्त आई थी अभी से की, और जो उसकी दरखास्त आई उस पर हमने नियमानुसार कार्रवाई कर दी। कह रहे हैं कि उनको जेल से थ्रेटनिंग आई है कि अगर गवाही दी तो जान से मार दी जाए, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है।